पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? मोदी जी की लीडरशिप में डबल इंजन सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भैया। माताएं बहनें भी बैठी हैं, मेरे साथ हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे यहां के सांसद श्रीमान पीसी गद्दीगौड़ जी, मंच पर उपस्थित श्री गोविंद कारजोल जी, मंच पर उपस्थित श्री सिद्धू सावदी जी, मंच पर उपस्थित श्री जगदीश गुंडा गुंटी मठ जी, और आज यहां पर हमारे श्री नायब सिंह सैनी जी, आगे आओ नायब सिंह, वो हरियाणा से यहां चुनाव के प्रबंधन के लिए, नायब सिंह के लिए ताली बजाओ। हमारे बड़े नेता श्री मृगेश निरानी जी, और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज सबसे पहले मैं अल्लम प्रभु मंदिर, श्री बनशंकरी मंदिर, श्री सिद्ध रामेश्वर मंदिर, श्री दत्तात्रेय मंदिर और श्री वेंकट रमण मंदिर को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, अल्लम प्रभु जी बसवन्ना की बात को आगे ले जाने वाले एक प्रमुख प्रचारक और प्रमुख संत होने के साथ साथ महान कवि भी थे। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से बसवन्ना के वचनों को हर गांव में पहुंचाने के लिए पूरा जीवन कार्य किया। मैं आज फिर से एक बार अल्लम प्रभु को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये भूमि चालुक्य राजवंश के दूरदर्शी शासकों की भूमि है। उन्होंने बदामी, एहोल, पट्टा दाखल, उसमें अनेक प्रकार के शिल्पों की निर्मित की। मित्रों, ये मीडिया वाले जरा सेट कर बैठ जाए, जरा प्लीज आप बैठ जाइए। और आज इस भूमि पर मैं यहां की जनता को अपील करने आया हूं कि आने वाले चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की डबल इंजन सरकार बनाइए। आज जो मैं भीड़ देख रहा हूं, अभी जितने लोग पेंडाल में है इससे ज्यादा बाहर रोड पर है, मैं 15 मिनट वो सबको मिलते मिलते आया हूं। मित्रों, ये भीड़ ही बता रही है कि कर्नाटक में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, ये चुनाव हमारे आगे आइए तो हमारे प्रत्याशी को सिर्फ विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। आगे आइए तीनों चारों लोग, निरानी आओ आगे भैया। ये चुनाव सिर्फ चारों लोगों को विधायक मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है कर्नाटक के भविष्य को मोदी जी के हाथ में देने का चुनाव है। कर्नाटक को एक संपूर्ण विकसित राज्य बनाने के बैठने का चुनाव है। ये चुनाव एक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और नए कर्नाटक का चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है।
पॉलिटिकल स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता और विकास ये दोनों भारतीय जनता पार्टी ही कर सकते हैं। और दूसरी ओर डबल इंजन सरकार भी भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी भी एक और डबल इंजन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो दूसरी ओर रिवर्स गियर सरकार है। एक कांग्रेस की सरकार बनी ना तो कर्नाटक का विकास रिवर्स गियर में पड़ने वाला है, मेरी बात याद रखना। मित्रों, ये जनरेशन चेंज का चुनाव है और हम मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार सरकार बनाएंगे। बनाएंगे ना, जरा जोर से बोलो, बनाएंगे ना। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक का 4 साल में श्री येदुरप्पा और श्री बोम्मई के नेतृत्व में बहुत विकास किया है। मोदी जी ने 9 साल से कर्नाटक को केंद्र से ढेर सारे पैसे और योजना भेजने का काम किया है। इसकी बात तो मैं बाद में करूंगा, मगर अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, बहने मेरी बात खास सुने, कांग्रेस गलती में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टिकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। मित्रों, आप चाहते हैं पीएफआई पर से बैन उठ जाए? चाहते हैं क्या? चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी कहती है पीएफआई पर बैन लगाने की जरूरत नहीं थी। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी अभी हमारी सरकार ने एक यहां धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद एसटी, एससी, वोकलिगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एससी भाइयों के रिजर्वेशन में भी हमने आंतरिक आरक्षण, इंटरनल रिजर्वेशन करा है। एससी लेफ्ट के लिए 6% करा है, एससी राइट के लिए 5.5% करा है और बाकी सारों के लिए भी 5.5% कर हमने सामाजिक न्याय को ठीक करने का प्रयास किया है। ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो मुस्लिम रिजर्वेशन फिर से आएगा। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महोदय कि आप 4% मुसलमान रिजर्वेशन वापस लाओगे तो किसका कम करोगे? वो कलिगा का कम करोगे, लिंगायतों का कम करोगे, दलितों का कम करोगे, या एसटी का कम करोगे, या ओबीसी का कम करोगे? माताओं, भाइयों, बहनों, क्या आप चाहते हैं वो कलिगा और लिंगायत का रिजर्वेशन कम हो? चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं कि एससी रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन कम हो? अगर 4% कांग्रेस बढ़ाना चाहती है तो किसी का कम करना पड़ेगा। मैं कांग्रेस को इस मंच से पूछना चाहता हूं, आप किसका रिजर्वेशन कम करोगे ये आप बताइए। और अभी अभी हमारे एक दो नेता पार्टी छोड़ गए तो उनको लगता है कि बहुत बड़ा फायदा हो गया। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने तो हमेशा
लिंगायत समाज का अपमान ही किया है। इतने लंबे शासन में दो ही लिंगायत मुख्यमंत्री दिए, श्री निजलिंगप्पा और वीरेंद्र पाटिल, और दोनों को अपमान कराकर बाहर निकाल दिया है। और आप भारतीय जनता पार्टी से आए हुए नेताओं के आधार पर चुनाव लड़ते हो, ये ही बताता है कि आपके यहाँ बैंकरप्सी आ गई है, बैंकरप्सी आ गई है। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने जब येदुरप्पा जी को मुख्यमंत्री बनाया, तब जेडीएस का उपयोग कर येदुरप्पा को हटाने वाली यही कांग्रेस पार्टी थी, और आज वो हमारे कुछ नेताओं के साथ रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मगर कर्नाटक और विशेषकर उत्तरी कर्नाटक, कित्तूर कर्नाटक के लोग इसको नहीं सहन करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, एक दूसरी पार्टी भी लड़ रही है, जेडीएस पार्टी। जेडीएस को वोट मतलब कांग्रेस पार्टी को वोट। मुझे बताओ, जेडीएस की जितनी भी सीटें आएगी, अंत में वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? भाई बताओ, जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते हो तो सीधा वोट भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक का विकास करेंगे। मित्रों, मोदी जी ने पूरे कर्नाटक को येदुरप्पा जी और बाद में बोम्मई जी के नेतृत्व में कोरोना से बचाने का काम किया है। आप सभी लोग जिनको कोरोना के दोनों वैक्सीन लग गए हो, अपना हाथ ऊपर करिए तो, किसको किसको लगा है? सबको लगा है ना? कहीं पर भी तकलीफ पड़ी है भैया? 25 पैसा भी देना पड़ा है? मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को 240 करोड़ वैक्सीन देकर देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया है। और एक कांग्रेस वाले परिवारवाद की राजनीति के अलावे कुछ नहीं करते। ये डबल इंजन सरकार ने कलसा बंडूरी, अपर भद्रा, लंबानी थांदा और कुरबा हत्ती को राजस्व गांव का दर्जा लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, सबसे बड़ा खतरा दक्षिण में पीएफआई से किसी को था तो कर्नाटक को था। आए दिन हत्या करते थे, हमारे एक कार्यकर्ता प्रवीण की हत्या कर दी और वो आगे भी बढ़ रहे थे। मोदी जी ने एक दिन सुबह पीएफआई को बैन करकर कर्नाटक पीएफआई के सारे नेताओं को जेल में डालने का काम कर दिया। मुझे बताओ भाई, ये अच्छा किया या नहीं किया? जरा जोर से बोलो, अच्छा किया या नहीं किया? मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया। और आज मैं आपको पूछने आया हूं, माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए थी? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को एक बच्चे की तरह गोदी में सहला रही थी, क्योंकि उनकी वोट बैंक थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह 5 अगस्त 2019 को कलम के एक झटके से धारा 370 को समाप्त कर दिया। और ये कश्मीर हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन गया। उस वक्त ये जेडीएस, कांग्रेस, ममता, नीतीश कुमार, कम्युनिस्ट, ये सारे काऊ 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 काऊ, अरे मत हटाओ, मत हटाओ,
मैं ही बिल लेकर गया था पार्लियामेंट में, मैंने पूछा क्यों ना हटाए, तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी कश्मीर में, हजारों लोग मारे जाएंगे। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी में कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस और जेडीएस इतने सालों से राम मंदिर को अटका रहे थे, भटका रहे थे, लटका रहे थे। कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास करने का काम कर दिया। और मैं कह कर जाता हूं भाई, कुछ ही समय बाकी है, आकाश को छूने वाला भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनेगा। अपनी टिकट तैयार कर रखना, अपनी टिकट तैयार करके। ये कांग्रेस पार्टी रिवर्स गियर सरकार है। उनकी सरकार जब जब चलती है विकास रुक जाता है। मित्रों, उत्तरी कर्नाटक में मैं आया हूं, तब कहना चाहता हूं महादाई को, कांग्रेस का यूपीए में शासन था, यहां पर भी शासन था और गोवा में भी शासन था, मगर महादाई का मुद्दा हल नहीं होता था। उत्तरी कर्नाटक के लिए महादाई का मुद्दा अगर किसी ने हल किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके साथ साथ ऊपरी भद्रा परियोजना 5300 करोड़, अपर कृष्णा 5000 करोड़, कलसा बंडूरी 1000 करोड़, ये सारा काम एक 4 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढेर सारे समग्र कर्नाटक के लिए भी विकास के काम किए हैं। मैं आज यहां आया हूं, तब अभी हथकरघा को चालू कर मैंने ट्रायल ली है। मेरे नेकारा सम्मान योजना का आज जरूर बताना चाहूंगा, 1.5 लाख से अधिक बुनकरों को वित्तीय सहायता को 2000 से बढ़ाकर 5000 किया और 2 लाख रुपए का ऋण ब्याज के बगैर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाजपा की कर्नाटक सरकार ने, मुंबई सरकार ने कर्नाटक नेकारा सामुदायिक विकास निगम की स्थापना की और 11 लाख बच्चों को 725 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। बागलकोट में मॉडल विश्वविद्यालय बनाया, बागलकोट में जिला अस्पताल को अपग्रेड किया, हम्पी, बदामी, एहोल, पटदकल, विजयपुरा, ये पूरा पर्यटन सर्किल बनाया। बादामी की गुफाओं के पास विकास कर टूरिज्म को बढ़ाया और इसके साथ साथ केरूर लिफ्ट सिंचाई परियोजना 550 करोड़ की हम लेकर आए। चन्न पुष्पेंद्र लिफ्ट इरीगेशन योजना 520 करोड़ की, सत्तीगेरी सिंचाई परियोजना 546 करोड़ की, शिवगांव का टेक्सटाइल पार्क 10,000 लोगों को नौकरी देगा और गन्ना का रेट एफआरपी कांग्रेस 2100 रुपया छोड़कर गई थी, इसको 3150 रुपया करने का काम आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, इसके साथ साथ हमने ढेर सारे गरीब कल्याण के काम भी किए हैं। कर्नाटक में 4 लाख गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, 43 लाख परिवारों को शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया, 48 लाख शौचालय बनाए, 4 करोड़ लाभार्थी को प्रति व्यक्ति प्रति माह
5 किलो चावल और रागी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया। 54 लाख किसानों को 10,000 रुपया प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि, लगभग 15,000 करोड़ रुपया भेजने का काम किया। 1.38 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का 5 लाख तक का पूरा फायदा फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और 37 लाख महिलाओं को गैस का सिलेंडर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पूछना चाहता हूं, इसका 10% भी अगर आपने कभी किया है ना अपने 60 साल के शासन, 10% भी, तो वोट मांगना। मगर वो तो अपने दो नेताओं की लड़ाई से बाहर ही नहीं आते हैं। कौन मुख्यमंत्री बनेगा भाई, आप दोनों में से किसी को नहीं बनना है, काम क्या झगड़ा क्यों कर रहे हो? सिद्धरामैया जी और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बने कौन बने। अरे आपका नंबर ही नहीं है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने वाला है, काहे को झगड़ा कर रहे हो भाई? मोदी जी के नेतृत्व में एक डबल इंजन सरकार बनाइए जो यहां से होकर पूरे दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का रास्ता खोले और कर्नाटक को दक्षिण का सबसे विकसित राज्य बनाए। मुझे बताओ माताओं भाइयों बहनों, आप हमारी कांग्रेस हमारी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनाएंगे? जोर से बोलो, बनाएंगे? कांग्रेस को पीएफआई का समर्थन करने पर मजबूत जवाब देंगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? भाजपा को पूर्ण बहुमत दोगे? 2024 में फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। उस और भी भाई पेड़ के नीचे खड़े सारे हाथ उठाए, विजय के संकल्प का मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।